हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज फिर मैं एक नया रेसिपी लेके आई हूँ और ये सिंपल सा नॉन वेज रेसिपी है। ये लंच में मैंने बनाई थी और लंच में आज मैंने जो बनाई है सब्जी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। लंच में मैंने बनाई है राइस और ये चिकन के साथ कैप्सिकम डाल के बनाए और थोड़ा सा ग्रेवी डाल के और पीनट का चटनी भी बनाई है, बादाम का चटनी इतना टेस्टी है। आप लोग प्लीज मेरा रेसिपी देख के मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। खाने में बहुत टेस्टी था, ये तो कितना अच्छा दिख रहा है। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और मेरे हस्बैंड को भी दे दिया है। और अब स्टार्ट करूंगी मैं चिकन बनाने के लिए। ये लिया है मैंने चिकन और कैप्सिकम और टमाटर, एक टमाटर दो कैप्सिकम होता है, और ऑयल के ऊपर मैं प्याज डालूंगी। जब भी मैं चिकन पकाती हूँ तो मैं दूसरे लोग तो जब प्याज को ब्राउन होने तब रेड होने तक भूनता है ना, मैं तो नहीं ऐसा नहीं करती हूँ। प्याज डालने से ही उसके ऊपर मैं चिकन डाल देती हूँ। इसे करने से वो चिकन का जो अच्छा था प्याज का जो रस होता है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और थोड़ा सा हल्दी ये डाला मैंने, हल्दी, और इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी। आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं इसके अंदर पकाते समय, इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी। और जब तक ये ब्राउन चिकन ब्राउन ना हो जाए उस टाइम तक मैं इसको भूनती रहूंगी, फ्राई करती रहूंगी अच्छी तरह से इसको, जब तक ये ऑयल चिकन का जो वो ऑयल होता है ना, जब तक वो नहीं निकलेगा चिकन का टेस्ट नहीं आएगा। और इसके बाद मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी। और इसके बाद क्यूमिन और कोरिएंडर का पाउडर, जीरा और धनिया का पाउडर और ये रेड चिली पाउडर डाल के इसको भी अच्छी तरह से चलाती रहूंगी। दोस्तों इसे चलाते रहने से ना चिकन अच्छा बनता है। और उसके अंदर जो कटा हुआ मैंने जो शिमला मिर्च और वो टमाटर रखा था उसको अच्छी से डाल के इसको भी अच्छी तरह से चलाऊंगी। जब मैं ये चिकन पकाती हूँ तो ये मुझे मेरा जो गैस है वो मैं धीमी आंच पर रख के पकाती हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के फिर चला के इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। 2-3 मिनट ढक के पकाऊंगी, और ढक के पकाने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से पक चुका है चिकन। मैंने दूसरा पैकेट का कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है, सिर्फ घर का मसाला ही यूज करके बनाती हूँ। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं ग्रेवी अगर आपको चाहिए तो। और उसके बाद रेडी होता है मेरा चिकन का रेसिपी। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड को भी परोस देती हूँ। देखिए तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ 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 कमेंट में भी ज़रूर मुझे कमेंट कर देना।
आपका कमेंट पढ़ने के लिए मैं बहुत बार बार चेक करती रहती हूँ कि कमेंट कब आएगा। प्लीज़ देखते रहे मेरा चैनल। थैंक यू।